जय हिंद बंदे मातरम, स्वागत है फैक्ट समाचार में। भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना 2019 की जो नई सूची है वह आपको लाइव दिखाएंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल न्यूज़पेपर में आ चुका है दैनिक भास्कर में प्रधानमंत्री आवास योजना सूची 2019-20। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने काफ़ी टाइम पहले अगर आवास योजना में आवेदन किया था तो, और आपका नाम अगर अभी तक कोई भी सूची में नहीं आया था 18-19 हो गया या फिर 19-20 में, तो अभी जो है 19-20 की जो नई सूची है वो जारी हो चुकी है और उस नई सूची में आपका नाम है या नहीं, आप यह किस तरह से देखेंगे वह चीज़ आपको आज की इस वीडियो में लाइव बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़पेपर पे आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची की जानकारी और वहाँ पे साफ साफ बताया गया, वेबसाइट दिया गया है किस वेबसाइट के माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 2019-20 का जो सूची है उसमें अपना नाम चेक करो, ठीक है ना। दोस्तों आपको क्या बताना है, लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार के जीत के बाद आवास योजना 2019-20 का जो नई सूची है वह जारी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2019-20 की जो सूची है वह निकल के आ चुकी है और यहाँ पे जो है काफ़ी आंकड़े जो है काफ़ी बढ़ के आए हैं इस बार, और यहाँ पे इस बार देखने को मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा लोगों का नाम जो कि बहुत ही लोगों का जो है आवास सैंक्शन हो चुका है सरकार की ओर से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह की योजनाओं के अपडेट्स मिलते रहते हैं इस चैनल में, यानी कि फैक्ट समाचार में आपको छोटे से बड़े हर एक योजनाओं का अपडेट मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह की योजनाओं से हमेशा अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें जो है उत्साह मिले। और दोस्तों आपके लाइक और शेयर में ही हमारे जो मेहनत का फल है, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किए थे उनका वो अपना नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नई लिस्ट है 2019-20 का उसमें अपना नाम को चेक कर सके। और दोस्तों एक चीज़ बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मोदी सरकार की ओर से ये बहुत बड़ी फैसला ले लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2019-20 का जो नई सूची है वो सिलेक्शन कर दिया गया। और यहाँ पे दोस्तों जो नई लिस्ट है वो बिल्कुल जारी होकर आ चुकी है जो कि लाइव वेबसाइट पर अपलोड है। तो अभी मैं बताऊँगा किस तरह से आपको चेक करना है और आपका नाम जो है वहाँ पर होने का चांसेस 90% है, बिकॉज अभी इस बार के जो आंकड़े हैं 19-20 को वो काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपांडेबल है, यानी कि बहुत सारे लोगों के जो पहले के छूट गए थे उनका भी नाम जो है इसमें शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आपको मोबाइल स्क्रीन ले चल के कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो नई लिस्ट जारी हुई 19-20 में जिसका बारे में पेपर में छापा गया है उस योजना लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा और उसको लाइव में आपको ओपन करके दिखाऊंगा, आप भी किस तरह से चेक कर पाओगे अपने मोबाइल पे, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। और दोस्तों आप वीडियो के नीचे एक चीज़ कमेंट करो जरूर से कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास अभी तक मिला है या नहीं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी सन में आपको कोई भी आवास योजना अभी तक मिला है या नहीं, यह चीज़ आपको वीडियो में कमेंट जरूर से करना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और कमेंट करना है, आपके जिले का नाम, गांव का नाम और राज्य का नाम, ठीक है ना। यह चीज़ आपको कमेंट करना है ताकि हमें पता चल सके आप कौन से राज्य और कौन से जिले से देख सकते हो वीडियो। अगर उस तरह की बात होती है तो मैं आपको उन राज्यों के लिए अलग अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि राज्य के अनुसार भी खबरें अलग अलग होती है, ठीक है ना। योजनाएं भी अलग अलग होती है, हर एक राज्य के अलग अलग योजना भी होती है। जैसे कि अभी ये आवास योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि दोस्तों ये हर राज्य के लिए है। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी राज्य के हो, देश के 2900 राज्य में इस योजना का लिस्ट जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है 2019-20 का। तो यह अगर आप देश के 2900 राज्य के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको इस योजना का लिस्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी मिलेगा और आपका भी योजना लिस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट जो है वो निकल चुका है, ठीक है ना। तो अभी बात आती है कि आप इसको कैसे देखोगे, आप अपना नाम जो है इसमें कैसे चेक करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना है, ठीक है ना। अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर छोटा सा आपको काम कर देना है, जैसे मैं बताऊँगा उस चीज़ को आपको फॉलो कर रहे हैं। आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो आप इजीली अपना नाम चेक कर सकते हो। दोस्तों आप भी क्या करना है, आपको मोबाइल स्क्रीन पे चले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है। जैसे हमने ओपन कर लिया दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है PMAY लिस्ट 2019-20, ठीक है ना। ये आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही सर्च कर तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आप स्टे करो, अभी आप रुके रहो, अभी आप मत सोचना कि यार ये तो सही नहीं है, अभी मैं आपको लाइव निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए PMAY क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस टिल डेट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सीधा 19-20 कर देना है, ठीक है ना। 19-20 करने के बाद नीचे आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको योजना सेलेक्ट करना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करते हो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्टेट्स का नाम यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लो, आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर आसाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जो है और एक सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना।
तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपको दिखाने के लिए भी मैं कर रहा हूँ। उसको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से आ जाएगा आपका जो एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ आप स्टेप्स को फॉलो करो, आपका जो एक्चुअल डेटा होगा आप वही यहाँ पे सिलेक्ट करना, तभी जाकर आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका लिस्ट में नाम शो करेगा। सिलेक्ट का फिर से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको और भी कुछ एरिया वगैरह सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, उसका पंचायत वगैरह का भी सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो सारा चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके एरिया में जितने लोगों का भी लिस्ट में नाम आया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइव हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखो विलेज का नाम है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, बेनिफिशियरी का नाम भी दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर मदर का नेम भी दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे जो हाउस अलॉटेड टू मैन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंक्शन नंबर भी दिया है। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो लाइव हमने आपको दिखा दिया 2019-20 का लिस्ट जो है, इसी तरह से चेक करना है आपको। और आप दोस्तों यहाँ पे इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, ये जो लिस्ट आया है आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड PDF पे जैसे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पे देखिए PDF में डाउनलोड होने लगा और ये जो है PDF में ओपन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे लाइव हमने 2019-20 का जो सूची था प्रधानमंत्री आवास योजना का लाइव चेक करके दिखा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को मालूम चले इस योजना के बारे में और वो भी अपना नाम चेक कर सके इजिली। और दोस्तों वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए इस योजना का लाभ आपको पहले मिल चुका है या फिर नहीं मिला है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत।